आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट बनने वाली डोसा की रेसिपी। इस डोसा को बनाने में मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और इसे बनाना बहुत आसान है, सामान भी कम लगता है और मेहनत भी नहीं है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। रवा या सूजी का डोसा बनाने के लिए आधा कप हम बारीक वाली सूजी ले लेंगे। इसके साथ हम आधा कप चावल का आटा ले लेंगे, दोनों बराबर मात्रा में ले, और इसका आधा यानी एक चौथाई कप हम इसमें मैदा डाल देंगे। तो यहाँ पे परफेक्ट डोसा बनाने के लिए ये तीनों चीज़ आपको चाहिए। अब हम ले लेंगे यहाँ पे बारीक कटा हुआ करी पत्ता, हरी मिर्च, प्याज और अदरक। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल दें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दही। तो 2 से 3 चम्मच दही डालें, बहुत ज़्यादा दही नहीं डालना है। आधी छोटी चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे और इसके बाद नमक डाल दें। अब हम इन सबको ऐसे मिला देंगे। तो नमक स्वाद के अनुसार डालना है, मतलब हमें इस बैटर को ना बनाते वक्त पानी का इस्तेमाल बहुत करना है, तो नमक आपको चाहिए तो बीच बीच में ऐड करें। तो यहाँ पे अभी मैंने 1 कप पानी डाला है और इसे अच्छे से मिला दें। हमें घोल जो है वो बहुत ही पतला बनाना है, तो पहले हम इसे ऐसे मिला देंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी और चावल का आटा जो है वो थोड़ा फूल जाए। उसके बाद हम हिसाब से पानी डालेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने 1 कप ही पानी डाला है, मिला दिया और इसे 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। 10 मिनट बाद हम इस घोल को वापस ऐसे एक बार मिक्स करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि घोल जो है वो थोड़ा सा फूल गया है और पहले से थिक हो गया है। तो अब हम इसमें आधा आधा कप करके पानी मिलाएंगे। ये देखिए पानी हिसाब से मिलाना है, घोल को हमें कितना पतला बनाना है, मतलब जैसे दाल बनाते हैं ना उससे भी पतली बनानी है। तो यहाँ पे पानी मिलाते रहें। रवा डोसा बनाने का तरीका बहुत ही अलग होता है। नॉर्मल डोसा बनाने के लिए हम बैटर को थिक रखते हैं, यहाँ पे जितना ज़्यादा बैटर पतला रहेगा डोसा आपका उतना ही अच्छा बनेगा। और यहाँ पे जितना हमने क्वांटिटी इस्तेमाल किया है ना, आधा कप सूजी, आधा कप चावल का आटा और 1/4 कप मैदा, उसमें आप बहुत सारे डोसे बना सकते हैं। ये देखिए एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए और बैटर जो है ना वो तुरंत तुरंत जो चावल का आटा वगैरह है वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर पानी आ जाएगा। तो आपको मिलाते रहना है और जब भी आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें पानी ऐड करें। तब हम चलते हैं डोसा बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए एक तवे पे थोड़ा सा तेल डालें और कटे हुए प्याज से इसे ऐसे रब कर दें। इससे क्या होता है, डोसा जो है वो चिपकता नहीं है और नीचे की लेयर अच्छे से क्रिस्पी बनती है। तो जब भी आप डोसा बनाएं तो ऐसा प्रोसेस फॉलो करें। तो यहाँ पर बैटर को अच्छे से मिला दें एक बार, ये देखिए, ताकि नीचे का जो बेस है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। और उसके बाद ऐसे किनारों पे डालें, ये देखिए पहले किनारों से डालते हुए फिर सेंटर को ऐसे कवर कर देंगे हम। रवा डोसा बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। नॉर्मल डोसा में हम बैटर डाल के और ऐसे राउंड राउंड घुमाते हैं, इसमें बैटर को आपको किनारों से डालते हुए सेंटर में आना है। और जैसे ही बैटर डाल दें किनारों पे और ऊपर थोड़ा सा तेल या घी डाल दें और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें। ध्यान रहे कि रवा डोसा बनने में समय लगता है, मतलब इसे पकने में समय लगता है, तो आप पेशेंस के साथ पकाएं। और यहाँ पे ये देखिए बैटर जो है वो फिर से गाढ़ा हो गया है, तो वापस थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ऐसे पतला कर लेंगे। बैटर एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखिए जैसे छाछ बनाते हैं ना, छाछ से थोड़ा ही थिक होना चाहिए। गैस का फ्लेम मैंने धीमा रखा है, आप देख सकते हैं, और तवे को ऐसे हर तरफ से गैस के नीचे ले जाएं ताकि हर तरफ की लेयर अच्छे से पक जाए। जैसे ही डोसा पकना शुरू होगा उसके सेंटर में जलिया और भी ज़्यादा क्लियर दिखने लगेगी और बीच में आपको ब्राउन ब्राउन दिखने लगेगा, तब आपको समझ जाना है या फिर थोड़ा सा ऐसे उठा के देख सकते हैं कि डोसा पका है कि नहीं। जैसे ही आपको नीचे से ये ब्राउन दिखने लगे आप इसे पलट दें। बहुत बार ऐसा होता है कि डोसा को हम एक ही साइड से पकाते हैं, तो आप चाहिए तो इसे ऐसे निकाल के खाएं, मतलब दूसरे साइड नहीं पकाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों साइड से क्रिस्पी चाहिए या फिर दोनों साइड से पका लेना है तो आप इसे पलट के भी एक बार सेक सकते हैं। मैं रवा डोसा दोनों साइड से सेकती हूँ क्योंकि इसमें जो आटा है ना, मतलब जो हम चावल का आटा इस्तेमाल करते हैं, उसके कच्चेपन का टेस्ट आता है। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप इसे दोनों साइड से पकाएं। तो ये हमारा पहला डोसा बनके तैयार है। यहाँ पे ये देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा कम क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे यहाँ पे निकाल लें, या बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं चाहिए तो डोसे का। दूसरा वाला मैं अपने स्टाइल का बनाऊंगी जिसमें ये परफेक्ट क्रिस्पी होगा। तो तवे को वापस मैंने प्याज से पोंछ लिया है, बैटर को ऐसे अच्छे से मिला दें। पूरा बैटर अच्छे से मिलना चाहिए, मतलब चावल मैदा वगैरह नीचे नहीं बैठना चाहिए। अब हम बैटर को ऐसे किनारों से डालते हुए ऐसे सेंटर में डाल देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो मीडियम रखें और जैसे ही बैटर अच्छे से स्प्रेड हो जाए किनारों पे और ऐसे ऊपर सेंटर में थोड़ा सा तेल डाल दें। जैसे ही डोसे की किनारे की जो लेयर है ना और सेंटर में ऐसा ये ब्राउन दिखने लगे तभी आप डोसे को निकाल लें। ये देखिए, तो आप चाहिए तो इसे दूसरे साइड से नहीं पकाएं, ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऊपर वाला साइड जो है वो थोड़ा सा पकना चाहिए तो आप इसे पलट के 10 से 12 सेकेंड के लिए सेक सकते हैं। तो ये हमारा सुपर क्रिस्पी डोसा बनके तैयार है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको क्रिस्पी बनाना है तो आप इसे ऐसे बनाएं, ये देख सकते हैं ना आप, एकदम परफेक्ट क्रिस्पी दिख रहा है। और ये वाला जो मैंने पहले बनाया ये ऐसा दिखेगा।
तो जिस तरीके का डोसा चाहिए आपको, अगर आपको कम ऐसे क्रिस्पी चाहिए तो ऐसे बनाएं, और अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो ऐसे बनाएं, और अगर आपको मिडिल वाला चाहिए ना, तो बस आप गैस का फ्लेम का ध्यान रखिए। ये देखिए, ये तीसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा सुपर क्रिस्पी रवा डोसा बनके तैयार है। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए आप इसे गर्मा गर्म सांभर और चटनी के साथ सर्व करें। आप चाहिए तो इसे नारियल चटनी के साथ या फिर सूखी वाली चटनी के साथ सर्व करें। और ये हमारा सुपर क्रिस्पी डोसा बनके तैयार है। ये देखिए, ये ठंडा होने के बाद भी कितना क्रिस्पी है। पहला वाला डोसा मैंने पहले बनाया था, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे ऐसे तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अगर आपको झटपट डोसा बनाना है, वो भी एकदम क्रिस्पी वाला, तो बस रवा, चावल का आटा, मैदा भिगोए और 10 मिनट में सुपर टेस्टी डोसा आप ऐसे बनाएं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें प्याज वगैरह डाला है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।